ये रेडियो जुर्म्बिश उर्दू की आवाज है आज 13 अगस्त जुमरात का दिन और साल 2020 है और आपका मेजबान मीरा बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है अब चौकी में अटक सीमेंट फैक्ट्री के वर्कशॉप में बम धमाका हुआ है जिसमें मुतद अफराज जख्मी होने की इतला है बम धमाके की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है अवारान के इलाके मशके और गिज में काबिज पाकिस्तानी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया है जहां पर हेलीकॉप्टरों की शेलिंग की जा रही है जबकि गिर्ज से दो अफराधों को जबरी तौर पर लापता किया गया है मगरबी बलोचिस्तान के इलाके दरगिस से केच के रिहायशी एक नौजवान की गोलियों से छली लाश बरामद हुई है कराची में पाकिस्तान के नाम नयाद आज़ादी के सिलसिले में काम एक स्टॉल पर क्रेकर बम धमाका हुआ है हमले की जिम्मेदारी एस आर ए ने कबूल की है चमन में होने वाले बम धमाके के खिलाफ ऑल पार्टी अंजुमन ताजरन और लकड़ी एहतियात की तरफ ऐसी एहतजाजी जलसा मुनक़द किया गया जिसकी तफस खबरों में शामिल है बलूचिस्तान में होने वाले मुख्तलिफ हादसा वाक़ात में दस ऐसी जायद अफरा हलाक और मतदि जख्मी हुए हैं बंदोबस्ते पाकिस्तान खैबर पख्तनख्वा में जुनूबी वजीरस्तान के इलाके लद्दाख में पाकिस्तानी फोर्स की गाड़ी पर खुदकुश हमले में एक ब्रिगेडियर समेत मुतद एहलकार हलाक व जख्मी हो गए हैं अफगान तालिबान ने बैन अफगान मजाक के शुरू में ही तशद में कमी के इम्कान को रद्द कर दिया है जुनूबी सूडान में मुसल्ला अवाम की सरकारी फोर्स के साथ खून रेस जड़पों में एक सौ सताईस अफरा हलाक हो गए हैं भारत में मुतनाजा सोशल मीडिया फोर्स पर हंगामा राय के नतीजे में तीन अफराध हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं ये थी चंद अहम खबरों की सुर्खियाँ आज की न्यूज़ बुलेटिन में शामिल बलूचिस्तान से मुतल खबरें सारे बलोच पेश करेंगी हब चौकी में एक बम धमाका हुआ है धमाके की आवाज़ अटक सीमेंट फैक्ट्री के करीब सुनी गयी इतलात के मुताबिक धमाका अटक सीमेंट फैक्ट्री के एक वर्कशॉप में हुआ है जहां काम जारी था इब्तदाई मालूम के मुताबिक धमाके से मुताद अफरा जख्मी हुए हैं जख्मियों का ताल्लुक पाकिस्तान की सूबे पंजाब से बताया गया है जो अटक सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे थे हमले की जिम्मेदारी बलूच लिब्रेशन आर्मी के तर्जुमान जियंत बलूच ने कबूल करते हुए कहा है कि बीएलए के बी सरमचारों ने बलूचिस्तान के शहर हबचोकी में बलूच वतन पर कायम काबिज रियासत के एक इस्तेहसाली आले अटक सीमेंट फैक्ट्री पर बम हमला किया हमला अटक सीमेंट फैक्ट्री के एक वर्कशॉप पर किया जिसके नतीजे में वर्कशॉप को शद नुकसान पहुंचा जबकि मुतद अफराद जख्मी हुए जींद बलोच ने कहा है कि हम पहले भी मजकूरा फैक्ट्री को तमबीह कर चुके हैं कि वो बलोच माशी इस्ताल बंद कर दे और एक बार फिर तम्बी करते हैं कि वो अपने इस्तेसाली मंसूबों से बाज आकर उन्हें फिलफोर रोक दे बसूरत दीगर आइंदा इससे भी ज्यादा शदीद हमले होंगे जेन्द बलोच ने मंगल की रात मस्तंग में होने वाले बम हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा है कि बीएलए के सरमचारों ने मस्तंग में तीरी रोड पर पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्स फ्रंटियर कोर की गश्ती टीम के एक फौजी गाड़ी को उस वक्त रिमोट कंट्रोल बम से निशाना बनाया जब वो बलोच इलाकों में फौजी गश्त पर मामूर थे हमले में फौजी गश्ती टीम की एक गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में मुताद एहलकार हलाक और जख्मी हुए अवार के इलाके मशके में काबिज पाकिस्तानी फोर्सेज की तरफ से ऑपरेशन किया जा रहा है इतलात के मुताबिक वादी मशके के इलाके जोंग में रियासती बरबरीत का सिलसिला जारी है जहाँ बुध को दिन भर गन्नशेप हेलीकाप्टरों ने पहाड़ी इलाकों में शेलिंग की है आखिरी इतलात आने तक पाकिस्तानी फौजी हेलीकॉप्टर गश्त कर रहे थे दूसरी तरफ काबिज पाकिस्तानी फौज ने गिचक में जाहिरत करके आजम वलिध मारजान और मोहब्बत वलिध मुराद जान नामी दो अफराद को हिरासत में लेकर लापता कर दिया है मग़रबी बलूचिस्तान के इलाके दरगिस डेम के पास गोलियों से छलनी एक लाश बरामद हुई है जिसकी शनाख्त मशरकी बलूचिस्तान में केच के इलाके दश्त के रिहायशी फारिस बलूच के नाम से हुई है फारिस बलोच गुजश्त दिन मोटरसाइकिल पर अपने घर से निकले थे लेकिन वापस घर नहीं लौटे थे फारिस बलूच का मोटरसाइकिल भी जय वकुआ ऐसी बरामद हुई है फारिस बलूच के लबाइकिन ने कहा है कि फारिस बलूच को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया है कराची के इलाके गुलशन हदीद में नामालूम अफराद ने पाकिस्तान की नाम नेहाद जश्न आज़ादी के एक स्टॉल पर क्रैकर बम फेंक कर फरार हो गए हैं, जिसके नतीजे में स्टॉल पर धमाका हुआ है जिसकी जद में आकर पांच अफराद जख्मी हो गए हैं दूसरी तरफ पुलिस हुकाम ने कहा है कि हमले में रूसी साख्ता आर जी डी वन क्रैकर बम इस्तेमाल किया गया जो इससे कबल होने वाले क्रैकर हमलों से मुमास रखता है पुलिस के मुताबिक जमायत इस्लामी की कश्मीर रैली डीएसपी गुलबहार के दफ्तर सचल में दुकान और लियाकताबाद हमले में भी रूसी साख्ता बम से हमला किया गया था दूसरी तरफ सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी के तर्जमान सूडो सिंधी ने कराची गुलशन हदीद में पाकिस्तानी जश्न आज़ादी के स्टार पर ग्रनेड हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा है कि 14 अगस्त सिंधी कौम के लिए कौमी गुलामी का दिन है जिसे सिंधी कौम कभी कबूल नहीं करेगी सूडो सिंधी ने सिंधी कौम से अपील की है कि वो 14 अगस्त के सिलसिले में पाकिस्तान की जानब से मनाए जाने वाले तमाम प्रोग्राम से दूर रहें सुडो सिंधी ने एक और बयान में बलूचिस्तान के हवाले से कहा है कि 11 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज का बरसीर से कब्जा खत्म होने के वक्त बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान किया गया लेकिन फिर 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने आजाद बलूचिस्तान पर फौज कशी करके जबरी कब्जा किया इस मौके पर हम बलूचिस्तान के योम आज़ादी पर बलोच कौम से इजहार यकजहती करते हैं ऐसारी ऐस तर्जुमान सूडो सिंधी ने 11 अगस्त को शहीद रेहान असलम बलोच की शहादत के दिन पर उन्हें कौमी सलाम पेश करते हुए कहा है कि शहीद रेहान अजीम बाप का एक अजीम बेटा था जिसने योम बलूचिस्तान के मौके पर अपने वतन की आजादी के लिए जान कुर्बान करके बलूचिस्तान की जंग आज़ादी की एक नई तारीख रकम की चमन में चमन धमाके के ख़िलाफ़ ऑल पार्टीज अंजुमन ताजरान और लगड़ी इतिहाद की तरफ से एहतजाजी जलसा मुनद किया गया जिससे मुकरि ने खिताब करते हुए कहा कि चमन बम धमाके को पैदल बॉर्डर आमदरफ्त में रखना डालने के जवाब के तौर पर कबूल नहीं करेंगे इसके अलावा खौफ और डर गालब करके लोगों को अपने हकूक़ ऐसी दस्तबरदार कराना काबिल कबूल नहीं उन्होंने मज़ीद कहा कि पश्तनख्वा वतन को नेस्तनाबूद करने के ख्वाब देखने वाली सुन ले हम अपने वतन और कौम की तरक्की और खुशहाली और नंग नामुस के लिए मर मिटने को तैयार है जलसे में शामिल शिरकत दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ अमन अमान के क्याम और पश्तनों की माशी कतलेम के खिलाफ नारे लगा रहे थे मुक्रीन ने मजीद कहा कि अरसए दराज से पश्तन अफगान वतन में कश्तखून तो और जंगजद का बाजार गर्म रखकर लाखों को बेघर और तहदीक किया गया अब उनकी माशी कत्लेम के लिए राहें हमवार की जा रही हैं बलूच स्टूडेंट सेक्शन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर नवाब बलूच ने पाकिस्तान के विफाकी और पंजाब हुकूमत समेत हुकूमत बलूचिस्तान से अपील की है कि बहाउद्दीन जक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान इंतजामिया की जानब से बलूचिस्तान के तलबा के लिए मुख्तस नशस्तें और स्कॉलरशिप्स के खात्मे का नोटिस लेकर यूनिवर्सिटी में बलूचिस्तान के जेर तालीम का तालीमी सिलसिला अधूरा छोड़ने से बचाया जाये क्योंकि मुख्त नशस्तों और स्कॉलरशिप्स के खात्मे से बलूचिस्तान के तालब इमों में मायूसी की लहर दौड़ गई है और सैकड़ों तलबा का तालीमी सिलसिला दाव पर लग गया है बसाक रहनुमाओं ने अपील की है कि पंजाब हुकूमत के अलावा गवर्नर बलूचिस्तान और खरपुतली बलूचिस्तान हुकूमत इस सिलसिले में इकदाम उठाये और बलूचिस्तान के गरीब तलबा का तालीमी मुस्तबिल बचाया जाये बसूरत दीगर वो एहतजाज को वसत देने पर मजबूर होंगे लसबेला में गड्डानी मोड़ के मकाम पर एक कार और ट्रक में तसादम के नतीजे में दो अफराद हलाक और दो जख्मी हो गए हैं। झलमगसी में घोट मांगर के मकाम पर दो कम उम्र लड़कियाँ पानी में डूबकर हलाक हो गई हैं। हालिया बारिशों का पानी जमा होने की वजह से बलूचिस्तान के शहर कोटा और योप में करंट लगने से दो अफराद हलाक हुए हैं जैकमाबाद से क्वेटा जाने वाली मुसाफिर वैगन मच के करीब रास्ता खराब होने के बायस उलट गई है जिसके नतीजे में चार अफराद हलाक और छह जख्मी हो गए हैं दूसरी तरफ सिब्बी के इलाके मिठड़ी में एक वेगन टायर ब्रस्ट होने की वजह से उलट गई है जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और दीगर आठ जख्मी हो गए हैं। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने 200 पाकिस्तानी शहरियों को ईरान के मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तार करके बलूचिस्तान के सरहदी शहर तफ्तान में राहदारी गेट के मकाम पर तफ्तान लेवीज इंतजामिया के हवाले कर दिया है गिरफ्तार अफराद के बारे में इतला है कि वो ईरान में बगैर दस्तावेज के सफर कर रहे थे कोयटा में ईगल फोर्स की जानब ऐसी शहरियों और सहाफ़ियों को बिलाजवाज़ तंग करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है जहाँ शाम होते ही ईगल फोर्स कमरानी रोड जंगल बाग चौक आरोप नाका लगाकर गरीब आवाम को डबल सवारी और कागजात के नाम आरोप तंग करते हैं इसके अलावा आम शहरियों के साथ हद तक आमेज रवैया इस्तेमाल करके उनसे मुख्तलित तरीके से पैसे और दीगर कीमती अशिया भी लूट लेते हैं जिससे शहरी खौफ में मुबतला हो गए हैं। अवमी हलकों ने खटपुतली वजी अल बलुचिस्तान वज़ीर दाखला समेत दीगर आला हकाम से अपील की है कि वो इस रवैये का नोटिस लेकर ईगल फोर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाए बलूचिस्तान हुकूमत ने बलूचिस्तान भर में 15 अगस्त से सरकारी अस्पतालों में ओपीडी खोलने का फैसला किया है सेक्रेटरी सेहत बलूचिस्तान दोस्तान जमालदीनी के मुताबिक तमाम सरकारी अस्पतालों में बंद ओ पी डी को पंद्रह अगस्त से खोलने के हवाले से तमाम सरकारी अस्पतालों के मेडिकल सुपरिनटेंडेंट को मुरासला अरसाल कर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि अस्पतालों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जाएं और इन्फेक्शन कंट्रोल के जब पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और कोरोना वायरस के अलावा बाकी तमाम अमराज के मरीजों को दाखिल किया जाए ये थी सारे बलोच अबिला और आलमी खबरें सुनते हैं बंदोबस्ते पाकिस्तान केबर पख्तनखुआ में जुनूबी वजीरस्तान की तहसील लद्दा में पाकिस्तानी फौज की एक गाड़ी पर खुद कुश हमला हुआ है पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक गाड़ी में मौजूद अमार अली नामी एक ब्रिगेडियर के सर आरोप शदीद चोट लगी है जिसे हेलीकॉप्टर के जरिए वाना मुंतकल किया गया है जबकि तीन एहलकारों की हलाकत और दीगर एहलकारों की जख्मी होने की इतला है दूसरी तरफ तहरीक तालबान पाकिस्तान के तर्जमान मोहम्मद कुरासानी ने इस खुदकुश शमले की जिम्मेदारी कबूल की है जबकि अवमी नेशनल पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मियाँ इफ्तार हुसैन ने कहा है की के, के पी के जमशुदा अजला समेत सुबह भर में दहशत गर्द दोबारा मनजम हो रहे हैं तालिबान ने कहा है कि मुमकिन तौर पर रवान माह के आकर में होने वाले बैन अफगान मुजात के दौरान जंग बंदी आरोप बातचीत होगी तहम अफगान एकाम से मुकर के आगाज पर ही तशद में कमी नहीं हो सकती वाज रहे अमरीका और तालिबान के दरमियान फरवरी में होने वाले एक मददे के तहत कैदियों के तबादले का मरला मुकमल हो गया है अब अगले मरले में अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुजाकर भारतीय शहर बंगलुरु में एक मुतनाजा सोशल मीडिया पोस्ट पर हंगामा आरआई के नतीजे में तीन अफराद हालांक जबकि दर्जनों जख्मी हुए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक बंगलुरु की कशीदगी वाले इलाकों में कर्फ्यू नापस करके एक सौ दस अफराध को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि मुजाहरीन के मुतालबे पर पुलिस ने मुतनाजा पोस्ट करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है मशहूर भारतीय अदाकार संजय दत्त पेपरों के कैंसर में मुब्तला हो गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त इलाज के लिए अमरीका जाएंगे, जबकि मुंबई के लीलावती अस्पताल जराये के मुताबिक चौथे स्टेज के कैंसर में मुबतला संजय दत्त को मीडिया ऐसी गुप्तगू की इजाज़त नहीं होगी संजय दत्त को पिछले हफ्ते उस वक्त अस्पताल ले जाया गया था जहाँ उनका कोरोना टेस्ट किया गया जो मनपी आया जिसके बाद ये इंकशाफ हुआ है कि उन्हें स्टेज फोर पेपड़ो का कैंसर है हांगकांग के मशहूर अखबार एपल डेली ने अपने मुदीर की गिरफ्तारी के बावजूद आज़ाद सहापत की जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया है जबकि जमहूरियत पसंद तबकात ने अखबार के शुमारे खरीद कर अखबार से इजारे यकजेती किया है अप्रैल डेली को चीन में जमात कम्युनिस्ट पार्टी का नाकद समझा जाता है दूसरी तरफ इतला है के अखबार के मुदीर को चीनी एकाम ने रिहा कर दिया है तीन रोज कबल तुर्की के एक मुसल्ला ड्रोन तैयारे के हमले में इराक के सूबे कुर्दस्तान में दो इराकी अफसरों और एक फौजी की हलाकत के बाद इराक और तुर्की के दरमियान सख्त कशीदगी सामने आई है जहाँ इराक ने तुर्क वजीर दिपा के आज होने वाले दौरे बगदाद की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है इसके अलावा हुकूमत ने इराक़ की खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी करने पर बगदाद में तैनात तुर्क सफीर को तलब करके शदीद एहतजाज किया है अमरीका में इस साल नवम्बर में होने वाले सदारती इंतख्या के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन ने सनेटर कमला हेरिस को नायब सदर का उम्मीदवार नामजद कर दिया है अमरीकी तारीख में ऐसा पहली बार होगा जब एक सियापाम सियापातून अमरीका की नायब सदारत की उम्मीद के उम्मीदवार होंगे मायरीन के मुताबिक कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर कमला एरिस का इंतखा करके जो बाइडेन ने सिया फाम वोटर्स की अहमियत का एतराब किया है जो इनके नज़दीक सदर ट्रंप को शिकस्त देने के लिए अहम हो सकते हैं जुनूबी सूडान में मुसल्ह सु और सरकारी फोरसेस के दरमियान कूनरेज रेज जड़पों में एक सौ सताईस अफराध हलाक हो गए हैं दो रोज जारी रहने वाले जड़पों में हलाक होने वालों में पैतालीस सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार जबकि बयासी मुसल्ह अफराध शामिल हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक जुनूबी सूडान के अकाम ने कहा है की वराप रिया के इलाके शुमाली टूच को असले ऐसी पाक करने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा था इस ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और एक नौजवान के दरमियान झगड़ा हो गया जिसके बाद तसादम हुई इसी के साथ ही आज की न्यूज बुलेटिन का अख्ताम होता है अपनी मेजबान हमीरा बलोच को इजाजत दीजिए और मजीद खबरों के लिए विजिट करते रहिए हमारे वेबसाइट जो डॉट कॉम